और ज्योतिष आचार्य जी, चंद्र ग्रहण लगने वाला है कुछ ही दिनों में, या फिर जिस ग्रहण का प्रभाव नहीं भी रहता है भारत में, या ग्रहण का प्रभाव होता भी है, तो ग्रहण काल के बाद लोगों को क्या करना चाहिए ताकि नकारात्मक जो ऊर्जा है वो घर से समाप्त हो जाए और शुभ फल की प्राप्ति हो सके? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार 25 मार्च को होली के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव भारत पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रहण है इसलिए उस ग्रहण को मानना अति आवश्यक है। तो ग्रहण के बाद जैसे ही ग्रहण का मोक्ष हो जाए, सबसे सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान करें, या हो सके तो गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल अपने देह पर छिड़क लें, और पूजा के घर में, जहां आप पूजा रोज करते हैं, नित्य आपके घर में पूजा का रूम है, वहां भी गंगा जल का छिड़काव करें। इसके ऊपर जितना हो सके देवी देवताओं को यदि स्नान करा सकें तो गंगा जल से सबको स्नान करा दें, और घर में पोछा जो लगेगा उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें पानी में, और नमक डाल करके घर का पोछा लगाएं, स्नान निश्चित करें, और स्नान करने के बाद आप सफ़ेद वस्त्र, क्योंकि चंद्र ग्रहण है इसलिए सफ़ेद वस्त्र का अवश्य दान करें, साथ में गुड़ और घी, गुड़ घी को मिलाकर ज़रूरतमंद को अवश्य दान करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वह समाप्त हो जाएगा, और जब ग्रहण काल में जो भोजन बना हुआ है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल करके रखें, तभी उसका उपयोग हो सकता है। यदि आपके किचन में भोजन बना हुआ है तो भोजन में आप ग्रहण के पूर्व आप तुलसी का पत्ता डाल दें, बाद में उस भोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं।